बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज अगेन वेरी वेरी हाई यील्ड टॉपिक। आज इंशाल्लाह हम हेमाटोलॉजी को वाइंड अप करेंगे, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सिस्टम में जाएंगे, ठीक है। टुडे द फर्स्ट ड्रग दैट इज कॉल्ड टीमोक्सिफेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट इज वेरी वेरी हाई यील्ड। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें टीमोक्सिफेन को टेस्ट किया जाता है, तो प्लीज इसके जो एमसीक्यूज है वो आप लोगों को बताऊंगा, वो साथ साथ नोट करते जाना। इसकी जो मैकेनिज्म है, इट इज अ सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इसका मतलब ये है, विथ कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ एक्शन, जो टीमोक्सिफेन है ये एक्चुअली, अगर आप लोग इसका एक वर्ड याद रखे, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे जाके काम करता है और एस्ट्रोजन की जो एक्टिविटी है उसको अल्टर करता है। इसकी कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ एक्शन इसलिए है बिकॉज इट इज एंटागोनिस्ट फॉर एस्ट्रोजन एंड ब्रेस्ट टिश्यू। देखिए, एस्ट्रोजन क्या है, इट इज डिस्ट्रक्टिव फॉर ब्रेस्ट टिश्यू इन फीमेल। अगर फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज्यादा हो जाए तो फिर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होंगे। तो मतलब वो ब्रेस्ट कैंसर जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव होता है उसमें हम टीमोक्सिफेन एज एंटी कैंसर यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखें, दैट इज अ पार्शियल एगोनिस्ट इन द एंडोमेट्रियम एंड ऑफ बोन। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो एंडोमेट्रियम है, विच इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, उसके लिए जो एस्ट्रोजन है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव एज वेल। इसका मतलब ये है कि जो एस्ट्रोजन है ये, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन दैट इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, इसके बारे में याद रखें, दैट इज डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोजन अगर फॉर एग्जाम्पल बढ़ जाए, इसकी एक्सपोजर ज्यादा हो जाए, इट इज डिस्ट्रक्टिव फॉर ब्रेस्ट टिश्यू। ये ब्रेस्ट टिश्यू के लिए डिस्ट्रक्टिव है। नंबर टू, इट इज डिस्ट्रक्टिव फॉर एंडोमेट्रियम। इट्स मीन इन अ फीमेल हु हैज लॉन्ग एक्सपोजर फॉर एस्ट्रोजन, देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर है और वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो उसके लिए तो ठीक है, टीमोक्सिफेन उसके लिए एंटागोनिस्ट है, तो ब्रेस्ट टिश्यू की जो कैंसरस चेंजेस है उसको कम करेगी। लेकिन यहाँ पे एगोनिस्ट है फॉर एंडोमेट्रियम, तो अगर आप ये लॉन्ग रन में कोई फीमेल यूज करेगी तो फिर उसमें एंडोमेट्रियल चांसेस क्या होते, ज्यादा। सो टीमोक्सिफेन डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हु आर एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव, बट द सेम ड्रग इफ यूज फॉर लॉन्गर टाइम इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर ऑफ द यूट्रस। नंबर टू, इट ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ एस्ट्रोजन टू एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव सेल। मैंने आप लोग को बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल के अंदर होती है, इट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन ऑल कैंसर रिगार्डिंग इंसिडेंस। अब होता यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक होता है हार्मोन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर, एंड द मोस्ट कॉमन हार्मोन विच कैन कॉज ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल, दैट इज एस्ट्रोजन। तो जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर सेल है, उसी की जगह पे ये एस्ट्रोजन को बाइंड होने से ब्लॉक करता है ताकि ब्रेस्ट टिश्यूज मजीद ना बढ़े, दैट इज गोज फॉर ब्रेस्ट टिश्यू कैंसर। बट इफ दिस ड्रग यूज फॉर लॉन्गर टाइम, इट इज अ पार्शियल एगोनिस्ट फॉर एंडोमेट्रियम, देयरफॉर इट कैन कॉज इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। इसकी क्लिनिकल यूज क्या है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, प्रिवेंशन ऑफ गायनेकोमेस्टिया इन अ पेशेंट अंडर गो प्रोस्टेट कैंसर थेरेपी। और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो हार्ट फ्लशेस है, क्योंकि एस्ट्रोजन एगोनिस्ट भी है, इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट लाइक डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। स्पेशली रिमेंबर, टीमोक्सिफेन डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू कैंसर बट इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टीमोक्सिफेन के बाद द एंटी कैंसर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ये वो एंटीबॉडी है जो हम ट्रीटमेंट की शक्ल में बाहर से देते हैं मुख्तलिफ किस्म की कैंसर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर ए टारगेट टू न्यूट्रलाइज देम और टू प्रोमोट इम्यून सिस्टम रिकग्निशन, फॉर एग्जाम्पल ADCC बाई NK, NK मीन नेचुरल किलर सेल, इलिमिनेटेड बाई मैक्रोफेज, नॉट क्लियर्ड बाई किडनी और लीवर। एक्चुअली जो एंटी कैंसर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसका देने का मकसद ये है कि इट विल न्यूट्रलाइज द कैंसर सेल एंड प्रोमोट इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब कैंसर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाना और जो टारगेट सेल है, कैंसर सेल है, उनकी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना, फॉर दैट रीजन वी शुड गिव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब जो जो एंटीबॉडी में टिक करता जाऊंगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में आ सकती है। अनदर, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड LM2 जोमाब। LM2 जोमाब इज अ CD50
CD 52, मतलब ये क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 52 पे काम करता है, और ये क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में देते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोस में देते हैं। लेकिन ये ड्रग अगर कोई पेशेंट ज्यादा देर तक यूज करेगी तो इस ड्रग से इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होती है, और सेम एंटीबॉडी के खिलाफ जो नेचुरल एंटीबॉडी बनती है दे मेनली टारगेट प्लेटलेट्स एंड दे विल लीड टू ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज बेवासिजुमाब, इट इज अ वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर मतलब इनहिबिटर, इट इज अ वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर, इट इनहिबिट ब्लड वेसल फॉर्मेशन, ये एंजियोजेनेसिस को जनाब इनहिबिट करती है। इट इज यूज फॉर कोलोरेक्टल कैंसर, रीनल सेल कार्सिनोमा, स्मॉल नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा एंड एंजियो प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। एक्चुअली अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाई फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल इन द रेटिना, दैट इज एंजियो प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। तो ऐसा कैंसर या ऐसा कंडीशन जिसमें न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन की हम इनहिबिशन करें, इनहिबिट ब्लड वेसल फॉर्मेशन, दैट इज बेवासिजुमाब। इसमें BV, दैट इज ब्लड वेसल इनहिबिशन, ये हिमोरेज करा सकती है, क्योंकि अगर ब्लड वेसल नहीं बनेगी तो वहां से ब्लीडिंग होगी, ब्लड क्लॉट करा सकती है, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग करा सकती है। फिर है सिटोक्सिमाब एंड पेनीटुमाब, पेनीटुमाब दैट इज अगेन एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ये मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में, और ये हेड एंड नेक कैंसर में रेशेस कराती है, एलिवेटेड LFT एंड ऑफ डायरिया। अभी तक जितने पढ़े हैं इम्पोर्टेंट तो जरूर है, लेकिन नॉट दैट मच हाई यील्ड जो एग्जाम के अंदर आते हैं। अभी जो आप लोगों को आने वाला टॉपिक बताऊंगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद आता है रूटेक्सिमाब। अब ये जो रूटेक्सिमाब है इसको आप लोग अंडरलाइन करें, एग्जाम के अंदर आता है कि जो रूटेक्सिमाब है इसकी टारगेट एरिया क्या है, दैट इज CD20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ऑलरेडी देखा है। रूटेक्सिमाब इज एंटी कैंसर एजेंट विच मेनली टारगेट ऑन CD20, इट इज यूज इन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, CLL, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ITP, DTP, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इसमें यह है कि इन्फ्यूजन रिएक्शन ड्यू टू साइटोकाइन रिलीज फॉलोइंग द इंटरेक्शन ऑफ रूटेक्सिमाब विद द टारगेट सेल ऑन द बी सेल। इट्स मीन कि जो लोग रूटेक्सिमाब देते हैं तो रूटेक्सिमाब क्या करता है, सम टाइम दे रिलीज साइटोकाइन व्हिच कैन कॉज इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन, बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि रूटेक्सिमाब हैज अ ग्रेटर डील एंड हैज अ ग्रेटर रोल यूज फॉर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। लेकिन रूटेक्सिमाब की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दे ऑल द टाइम आस्क इन द एग्जाम, दे एक्ट ऑन CD20। फिर है ट्रांसटूजुमाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग टेक करें। ट्रांसटूजुमाब इट इज एक्ट ऑन दी HER2 न्यू जीन, दैट इज HER2 न्यू, इसका मतलब ये जो HER2 न्यू जीन है इसके अंदर म्यूटेशन आ जाए तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि HER2 न्यू दैट इज ब्रेस्ट कैंसर एंड गैस्ट्रिक कैंसर। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इफ यू प्रिस्क्राइब दिस ट्रांसटूजुमाब टू एनीवन यू हैव टू गो फॉर इको बिफोर। हम क्या करेंगे, इको एग्जामिनर ये पूछेगा इफ यू आर प्लानिंग टू गिव ट्रांसटूजुमाब टू अ फीमेल फॉर ब्रेस्ट कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन यू हैव टू ऑर्डर बिफोर, दैट इज इको। व्हाई, बिकॉज दिस ड्रग कैन कॉज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड दैट इज ऑफन रिवर्सिबल। तो ये क्वेश्चन इतना हाई यील्ड है कि आप लोगों की सोच है, अगर आप इस पूरे टेबल के अंदर एक गोल्ड पॉइंट आप लोग याद रखना चाहे कि सर मुझे ऐसा बात बताएं जो मैं कहीं पे भी जाओ MCQs के अंदर मेरा काम आ जाए, वो ट्रांसटूजुमाब है। और ट्रांसटूजुमाब ये HER2 न्यू रिसेप्टर जीन म्यूटेशन में देते हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड गैस्ट्रिक कैंसर। लेकिन इसमें एक चीज याद रखने हैं कि जहां पे हम ट्रांसटूजुमाब यूज करेंगे तो बिफोर दैट वी हैव टू गो फॉर इको, बिकॉज इट कैन इंक्रीज द रिस्क फॉर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो दिस पॉइंट फॉर मी इज सुपर सुपर हाई यील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पेम्ब्रोलिजुमाब लाइक नेवोलुमाब एंड सिमिप्लिमाब, ये PD-1 टारगेट करता है, और यहाँ पे देखे एटीजुलुमाब, डोरबुलुमाब, एविलुमाब, एम्पिलुमाब, ये सारे के सारे मुख्तलिफ एरिया को टारगेट करते हैं, और ये वेरियस ट्यूमर में लाइक नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, रीनल सेल मेलानोमा, यूरोथीलियल कार्सिनोमा, और इन सब से ऑटो इम्यूनिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं लाइक डर्माटाइटिस, एंटीरोकुलाइटिस, हेपेटाइटिस, निमोनाइटिस एंड एंडोक्राइनोपैथी। बट इसके अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट
टू एजेंट विच दे फ्रीक्वेंटली आस्क इन एग्जाम, वन इज रूटेक्सिमाब एंड अदर इज ट्रास्टूजुमाब। क्यों कह रहे हैं कि बुक के अंदर तो हजार चीजें उन लोगों ने दी है, लेकिन मोस्ट कॉमनली एग्जाम के अंदर आते हैं ये वो होते हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम मोस्ट कॉमन प्रिस्क्राइब भी करते हैं और इसकी साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो जहां जहां पे एमसीक्यूज बताए हैं प्लीज आप उन एरियाज को टारगेट करें। नाउ एंटी कैंसर स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर, लाइक हम फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे एंटी कैंसर जो स्मॉल मॉलिक्यूल को ये इनहिबिट करते हैं, ठीक है जी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है द फर्स्ट वन अभी हम डिस्कस करेंगे, इसमें जो पहला एंटी स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर आता है, पहला जो हमारे पास ड्रग है दैट इज नोन एज इलेक्टिनिब, इसका नाम क्या है, इलेक्टिनिब एंड सीरिज़ोटिनिब, इलेक्टिनिब एंड सीरिज़ोटिनिब। तो अब ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल इलेक्टिनिब एंड सीरिज़ोटिनिब, इसका मतलब ये है ये टारगेट करता है एएल के, ये कहाँ पे टारगेट करता है एएल के। सो एएल के का मतलब होता है एनाप्लास्टिक लिम्फोमा काइनेज, इसका मतलब क्या है एनाप्लास्टिक लिम्फोमा काइनेज, इट इज अ ट्यूमर मार्कर एंड दैट इज सीन इन नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ये जो इलेक्टिनिब है एंड क्रिजोटिनिब ये एएल के एनाप्लास्टिक लिम्फोमा काइनेज को टारगेट करता है और ये क्या करता है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में यूज होता है, नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। इसकी साइड इफेक्ट एडिमा रेशेस एंड डायरिया है। फिर है अरलोटिनिब गेफिटिनिब एंड इफाटिनिब, ये एंडोजियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे काम करता है, सेम जगह यूज होता है डायरिया एंड रैशेस कराती है। आप लोग ये वाला इमाटानिब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको टारगेट करें कि भाई इस इंपॉर्टेंट वन इमाटानिब ये क्या करता है ये BCR-ABL जीन के ऊपर काम करता है, एंटायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है। और आप लोगों को बताया था ये CML में हम देते हैं क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, लेकिन इमाटानिब अगर हम ज्यादा यूज करेंगे इट कैन काज माइलोसप्रेशन इंक्रीज LFT एडिमा एंड माइल्जिया। इसलिए जो लोग इमाटानिब यूज करते हैं इसको हमें मंथली या 2 मंथ्स के बाद उसका एक ब्लड CP और LFT करना चाहिए ताकि हमें पता हो या ये बोन मैरो और ये लीवर पे काम करता है तो हमें LFT करने हैं ताकि ये हमारे नजर के सामने हो। फिर रोक्सीलिटेनिब ये JAK1/2 पे काम करते हैं पूरी साइथीमिया वेरा में, लेकिन ये ब्रूजेस और LFT को डिरेंज करता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन दैट यू पीपल मस्ट नो दैट इज कॉल्ड बोर्टिजोमेब एक्साजोमेब एंड करफ्लिजोमेब। जोमेब का मतलब होता है प्रोटियोसोम पे काम करता है और जो प्रोटियोसोम है ये मतलब ये है इंड्यूस अरेस्ट एट G2 और M फेज थ्रू अकुमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन एंड दैट लीड टू एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, और कैंसर के अंदर सेल की जो प्रोलिफरेशन है वो अनकंट्रोल तरीके से बहुत ज्यादा होती है, तो हमारा टारगेट भी है कि हम सेल के अंदर क्या इंड्यूस करें एपोप्टोसिस। ये मल्टीपल माइलोमा मेंटल सेल लिम्फोमा में दे सकते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड हर्पीज जोस्टर रीएक्टिवेशन, व्हाई बिकॉज़ दे डिक्रीज टी सेल एक्टिवेशन, और जब टी सेल एक्टिवेशन कम होगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वीक होगी तो उसमें हर्पीज जोस्टर वायरस की रीएक्टिवेशन चांसेस ज्यादा होती है। फिर है वेमोरेला पेनिव एनकोराफेनिब एंड डेपारापेनिब, ये ब्रेफ जीन म्यूटेशन को कंट्रोल करता है और ये मेलानोमा के अंदर देते हैं। मेलानोमा के अंदर आप लोगों ने याद रखना है ये जो RAF है RAF ब्रेफ जीन म्यूटेशन ये ज्यादा यूज होता है, रेश फटीग नोजिया एंड डायरिया कराता है। इस पूरे टेबल से इंशाल्लाह आप लोग जितने भी एग्जाम्स के अंदर जाएंगे और इंशाल्लाह एग्जाम्स दे के आएंगे तो इसमें अगर आप लोगों से पूछ सकते हैं वो 3 ड्रग पूछ सकते हैं, इमाटानिब यूज फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ CML एंड दैट इज टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, अनदर इज ऑक्सी लिटानिव दैट इज JAK2 काइनेज म्यूटेशन दैट इज पॉलीसाइथेमिया वेरा, और जो रेफ वाले हैं चाहे वो वीमो रेफेनिब है एनको रेफेनिब है या डेप रेफेनिब है ये सारे के सारे ब्रेफ जीन म्यूटेशन में देते हैं एंड दैट इज द क्लासिकल एग्जाम्पल इज मेलानोमा। मेलानोमा इज अ मेलिग्नेंसी दैट इज अराइजेस फ्रॉम मेलानोसाइट्स, ये कहाँ से आती है मेलानोसाइट, तो मेलानोसाइट से आने वाले मेलिग्नेंसी को हम क्या कहते हैं मेलानोमा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जनाब आता है दैट इज कॉल्ड पेल्बो सी सेलेसेब दैट इज कॉल्ड पेल्बो सी क्लेब, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को और ये भी अपोप्टोसिस इंड्यूस करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में रहते हैं। और एक है ओलापेरेब, ओलापेरेब जो है वो पोली मरेज है ये DNA रिपेयर को कम करते हैं, ये भी ब्रेस्ट कैंसर ओवेरियन
पेंक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, माइलो सप्रेशन, एडिमा एंड डायरिया। यार ये हेमाटोलॉजी का वो एरिया है जहाँ पे आपको ड्रग्स बस जस्ट याद रखनी है, इसमें कोई कंसेप्चुअल पॉइंट है नहीं। कंसेप्चुअल पॉइंट क्या है, लाइक ट्रास्टुजुमाब पे मैंने बता दिया कि मेजोरिटी लोगों को नहीं पता होता कि जब आप ट्रास्टुजुमाब किसी को देंगे यू हैव टू गो फॉर ईपो बिफोर, व्हाई, बिकॉज दे ऑफन काज डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी। तो इस तरह की क्वेश्चन आप लोग को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना ज्यादा ट्रिकी कोई चीज नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ ड्रग्स हैं जो मैं समझता हूँ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमोथेरेपी, एमेल्योरेशन। अब देखिए लाइक एमोफोस्टेन, ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करा सकता है। लाइक डेक्सारोजोन, ये आयरन चिलेटर है, ये कार्डियोटॉक्सिसिटी फ्रॉम एंथ्रासाइक्लिन, ये करा सकता है। ल्यूकोवरीन, ये टेट्रा हाइड्रोफोलेट प्रीकर्सर है और ये एनहांस करता है, अब ये एमसीक्यूज आता है, 5-फ्लोरोयूरासिल, द ड्रग विच एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ 5-फ्लोरोयूरासिल, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोवरीन, ये हमने पढ़ा था। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट है मिसना, इसको आप लोग एमसीक्यूज करें प्लीज। मिसना क्या है, इट इज द एंटीडोट दैट रिवर्स द टॉक्सिसिटी ऑफ साइक्लोफोसामाइड। और आप लोग को बताया था साइक्लोफोसामाइड कैन कॉज हीमोरेजिक स्टेटस, हीमोरेजिक स्टेटस के अंदर क्या होता है, देयर इज ब्लीडिंग इन द यूरिन बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन इन द यूरिनरी ब्लैडर। हीमोरेजिक स्टेटस अगर पूछे कि किस ड्रग की वजह से होती है, दैट इज साइक्लोफॉस्फामाइड। और अगर ड्रग से हट के पूछे कि किस वायरस की वजह से होती है, दैट इज नोन एज एडीनो वायरस इंफेक्शन। तो आप लोगों को याद रखना है कि साइक्लोफॉस्फामाइड कैन कॉज हीमोरेजिक स्टेटस एंड इफ देयर इज टॉक्सिसिटी ऑफ दिस ड्रग, दैट इज रिवर्स बाई मेसना, क्योंकि जो मेसना है इट इज द एंटीडोट ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड। रिस ब्यूरिकेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ रिकॉम्बिनेंट यूरिकेज दैट कैटेलाइज और मेटाबोलिज्म ऑफ यूरिक एसिड टू एलेंटाइन। जो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है इसमें देते हैं, व्हाट इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इट इज इमरजेंसी ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी जिसमें कुछ सेल्स जो है ट्यूमर के दौरान जब लाइस होते हैं तो उससे पोटाशियम निकलेगी। और आप लोग को मैंने ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम बताया था, इट इज कैरेक्टराइज बाई हाइपरकेलेमिया, हाइपर फॉस्फेट ईमिया एंड हाइपर यूरेसेमिया, ये तीन चीजें बढ़ेगी एंड देयर इज हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल क्या होगी, कम होगी। तो यूरिक एसिड लेवल जब बढ़ेगी तो यूरिक एसिड को एलेंटाइन में कन्वर्ट करके, और ये जो एलेंटाइन है दैट इज वेरी वेरी वाटर सॉल्युबल, तो जब आप यूरिक एसिड को एलेंटाइन में कन्वर्ट करेंगे, दिस एलेंटाइन इज वाटर सॉल्युबल, इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम किडनी इजिली, तो फिर गाउटी अटैक के चांसेस कम होंगे। जिस तरह के एलोप्यूरिनोल है वो यूरिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, लेकिन जो रेसवेरिकेज है ये यूरिक एसिड को एलेंटाइन में कन्वर्ट करता है, विच इज वेरी वेरी वाटर सॉल्युबल एंड दैट विल एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी। फिर ओंडनसेट्रोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ग्रेनिसेट्रोन, लेकिन ओंडनसेट्रोन वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और इसके बाद क्लोक्लोपेरेजीन, मेटोक्लोप्रामाइड, ये D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और एप्रीपिटेंट एंड फोसाप्रीटेंट, ये NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये हमने GAT में भी पढ़ा था। ये तीनों भाई मैं रिकमेंड करूंगा इम्पोर्टेंट, ओंडनसेट्रोन एक्ट ऑन सेरोटोनिन रिसेप्टर, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये सारे एंटागोनिस्ट है। ये मेटोक्लोप्रामाइड डोपामिन एंटागोनिस्ट है, एप्रीपिटेंट NK1, ये सारे के सारे रिसेप्टर कहाँ पे है, ये वोमिटिंग सेंटर, ये कीमो ट्रिगर जोन इन द मेडुला में है। और इन सब की जो यूजेज है, दैट इज यूज टू कंट्रोल नोजिया वोमिटिंग यूजुअली विद इन 1 to 2 आवर आफ्टर कीमोथेरेपी, लाइक कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग के लिए। बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो जब कैंसर की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनको कीमोथेरेपी के दौरान वोमिटिंग का सामना करना पड़ता है, उन लोगों को कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग दी जाती है दे आर दीज 3, दे आर कॉल्ड एंटीइमेटिक्स। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि एक पेशेंट है उसने रिसेंटली जनाब कीमोथेरेपी स्टार्ट की है, बट ड्यूरिंग कीमोथेरेपी द पेशेंट इंड्यूस वोमिटिंग, उसको सीवियर वोमिटिंग लग गई, अब उसको एक ऐसा ड्रग देना है जो 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन रिसेप्टर पे काम करे, दैट विल बी ओंडनसेट्रोन। या वो इस तरह बोलेंगे कि एक पेशेंट है वो कैंसर में है और कैंसर के दौरान उसको नोजिया वोमिटिंग है, अब वो एक ड्रग ले रहा है जिसका नाम एप्रीपिटेंट है, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। फिर इसके बाद फिलग्रास्टेम एंड सरग्रामोस्टेम, ये रिकॉम्बिनेंट GM कालू मतलब
कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर को ये इन्हिबिट करता है, न्यूट्रोफिनिया करा सकता है। एफवाइटीन अल्फा ये रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन है, और ये हम एनीमिया वगैरह में दे सकते हैं, मतलब ये कि एनीमिया इसके लिए हम दे सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने ये बताया है, एप्रीपेटन एंड मेटोक्लोप्रोमाइड एंड अनदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ओल्डन सिंड्रोम। इसमें भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब दिस टेबल इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। अब ये टेबल जो है ये आप लोगों ने याद रखना है। देखिए कीमोटॉक्सिटी, इसका मतलब यह है कि जो कीमोथेरापूटिक ड्रग है, कहते हैं कि एट द एंड, अब ये सारे टेबल हर एक याद नहीं कर सकता, जितने टेबल आप लोगों को मैंने पढ़ाए हैं आप चाह के भी इसको ए टू जेड याद नहीं कर सकते। आप इस टेबल को, ये जो लास्ट स्लाइड है ना, इसको जो बंदा याद करेगा वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। देखिए सिस्प्लास्टीन एंड कार्बोप्लाटीन, जो प्लाटिनियम कंपाउंड है, सिस्प्लास्टीन एंड कार्बोप्लाटीन, ये कान के साथ इसलिए है दे कैन काज ओटोटॉक्सिसिटी, और ये न्यूरोपैथी भी करा सकती है। फिर विनक्रिस्टीन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन काज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मुझे लगते हैं और मैंने एग्जाम्स वगैरह में देखे हैं वो मैं हाईलाइट करूंगा। ब्लियोमाइसिन एंड ब्लूसल्फान, ब्लियोमाइसिन एंड ब्लूसल्फान कैन काज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस में तो ट्रेक्सेट वगैरह भी कराती है। डॉक्सोरोबसिन एंड डिनोरोबसिन कैन काज कार्डियोमायोपैथी। देखें ये जो कान के साथ सीसी है ना, सिस्प्लास्टीन एंड कार्बोप्लाटीन, दे कैन काज ओटोटॉक्सिसिटी, हियरिंग प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे लंग्स है, तो आप लोग देखें दैट इज कॉल्ड ब्रूसलपान बी एंड अनदर बी इज दैट इज कॉल्ड ब्लियोमाइसिन। तो ब्रूसलपान एंड ब्लियोमाइसिन, और आप लोग इन दोनों के दरमियान मेड में एम पर मेड मेथोट्रेक्सेट, ये तीन जो है ये क्या करते हैं, लंग फाइब्रोसिस। फिर इसके बीच में से हार्ट होता है डी, सो डी का मतलब होता है दैट इज डॉक्सोरोबसिन एंड डिनोरोबसिन, कार्डियो टॉक्सिसिटी। फिर इसके बाद ट्रांसफ्यूजोमाब, इसके अंदर टी है, दैट इज कार्डियो टॉक्सिसिटी। वाई? ट्रांसफ्यूजोमाब कैन काज व्हाट, डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी। फिर नीचे आते हैं लाइक, फिर अगेन सी सी, सिस्प्लास्टीन कार्बोप्लाटीन नेफ्रोटॉक्सिटी। तो सिस्प्लास्टीन एंड कार्बोप्लाटीन ये ओटोटॉक्सिसिटी भी कराते हैं, और ये दोनों हमारे पास क्या करा सकते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इसके बाद फिर ब्लैडर की बारी है, हिमोरेजिक सिस्टाइटिस दैट इज साइक्लोफॉस्फामाइड, और फिर से वो बात आ रही है कि साइक्लोफॉस्फामाइड इंड्यूस हिमोरेजिक सिस्टाइटिस इज रिवर्स बाय वेरी इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट दैट इज नोन एज अ मेस्ना। और इसके बाद नॉन स्पेसिफिक कॉमन टॉक्सिटी एट नियरली नॉन स्पेसिफिक कॉमन टॉक्सिसिटी ऑफ नियरली ऑल साइटोटॉक्सिक कीमोथेरापी इंक्लूड। अब देखिए ये तो है स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी, ये आप लोगों ने याद रखना है, मैं फिर से इसको नहीं देखूंगा। देखिए सिस्प्लास्टीन कार्बोप्लास्टीन ओटोटॉक्सिटी, फिर ब्लूओमाइसिन बुसल्फान पल्मोनरी फाइब्रोसिस, डॉक्सोरोबसिन डिनोरोबसिन दैट इज कार्डियोटॉक्सिटी, ट्रांसफ्यूजोमाब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, फिर सिस्प्लास्टीन कार्बोप्लाटीन नेफ्रोटॉक्सिटी एंड साइक्लोफॉस्फामाइड हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। दिस डायग्राम विल टेल यू एवरीथिंग इफ यू नो दिस मच द स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक ड्रग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग फेल नहीं होंगे। और वो तीन एंटीमेटिक लाइक ओंडानसेट्रोन, एप्रीपिटेड एंड साइक्लोफॉस्फामाइड, कि वो कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग में देते हैं, और इतना पता होना चाहिए कि उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। और इसके अलावा कहते हैं कि नियरली ऑल साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी दे कैन काज नॉन स्पेसिफिक फीचर लाइक मायलोसप्रेशन विच इंक्लूड न्यूट्रोपिनिया, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जीआई टॉक्सिटी, नोजिया, वोमिटिंग, म्यूकोसाइटस एंड एलोपेशिया। ये सारे के सारे वो साइड इफेक्ट है जो ये किसी ड्रग के लिए स्पेसिफिक नहीं है, दे ऑल आर नॉन स्पेसिफिक, सो दे नेवर आस्क इन द एग्जाम व्हाट दे आस्क इन एग्जाम इज दीज अ स्पेसिफिक वन। सो आई थिंक यू एंजॉयड द टॉपिक व्हाट एवर वी टीच, और जहां जहां पे प्लीज एमसीक्यूज बताए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कर लेते हैं लेकिन एट द एंड वो क्यों फेल होते हैं, कि एक्चुअली वो सही तरीके से पढ़ते नहीं है। तो जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये एमसीक्यूज है, तो इनशाला आप लोगों को वही पे करेगा। बेस्ट ऑफ लक, और अल्हम्दुलिल्लाह वी फिनिश विद हीमाटोलॉजी एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर इन लाइफ।